कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन हो गया। देर रात कालवी ने एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। दरअसल बीते लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे, लेकिन एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में उनका इलाज इतने समय से चल रहा था। लोकेंद्र सिंह कालवी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के चलते आखिरी सांस उन्होंने ली। कालवी के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और आज ही पैतृगांव कालवी में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। राजस्थान में श्री राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में सोमवार यानी कल देर रात निधन हो गया। उनका निधन हृदयाघात के कारण बताया जा रहा है। हालांकि लंबे समय से वो अस्पताल में थे, चिकित्सा परामर्श लगातार डॉक्टर उनके परिजनों को भी बता रहे थे। उनकी हेल्थ अपडेट, जून 2022 से लंबे समय से अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक आने की वजह से इलाज उनका चल रहा था और अब जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार नागौर जिले में उनके पैतृक गांव कालवी में आज ही किया जाएगा। दोपहर 2:15 का समय उसके लिए बताया गया है। देखिए, लोकेंद्र सिंह कालवी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। अपने समाज के मुद्दों को लेकर और साथ ही समाज के साथ सभी कौमों के 36 कौमों के मुद्दों को लेकर काफी लंबे समय तक वो मुखर रहे। लगातार मुखर होकर उन्होंने अपनी बात कही। 1.5 दशक से ज्यादा का समय उन्होंने अपने इस संगठन के लिए पूरी तरह से समर्पित किया। राजनीतिक पृष्ठभूमि और पिता की विरासत का उन्होंने यहां से निर्वहन भी किया। राजपूत समाज के कोहिनूर कहे जाते हैं लोकेंद्र सिंह कालवी, लेकिन अब क्योंकि हमारे बीच नहीं रहे तो हर कोई उन्हें अपने अपने तरह से श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात यानी कल निधन हो गया। एसएमएस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, वैसे कहने को राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी थी, लेकिन नागौर से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे और जब हार उन्हें मिली तो 1998 में कालवी ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर से संसद जाने की कोशिश की, पर एक बार फिर से उन्हें शिकस्त मिली। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने कुछ राजपूत नेताओं के साथ मिलकर सामाजिक न्याय मंच बनाया और पूरी जानकारी के साथ में इस वक्त सहयोगी यूनुस यसावत जुड़ चुके हैं। यूनुस, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में पहुंचेंगे परिजन वहां पर? और दोपहर 1:15 का समय बताया जा रहा है जब कालवी गांव में, जो कि पैतृक गांव उनका है, वहां पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे लोकेंद्र सिंह कालवी। देखिए, लोकेंद्र सिंह कालवी जी का एसएमएस में निधन होने के बाद में पूरे राजपूत समाज में और शोक की लहर है। दोपहर बाद में कार्यक्रम तय किया गया, कालवी गांव है सांजू तहसील का, वहां पर उनका जो पैतृक गांव है वहां पर उनका अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पार्थिव देह को लाया जाएगा, उसके बाद के अंदर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकेंद्र सिंह कालवी 2006 के अंदर कर्णी सेना का उन्होंने गठन किया था, राजपूत समाज को एक ही मंच पर लाने के लिए, आन बान शान के लिए उन्होंने नारा देते हुए कर्णी सेना का गठन किया था। उससे पहले 2003 में सामाजिक न्याय मंच का उन्होंने गठन किया था और लंबे समय से राजनेता के तौर पर समाज के सुधार के लिए उन्होंने काफी काम किया। लोकेंद्र सिंह कालवी अभी एसएमएस अस्पताल से राजपूत समाज का जो भवन है जयपुर, वहां पर उनका पार्थिव देह को लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद में नागौर के कालवी गांव में उनका जो पैतृक गांव वहां पर लाया जाएगा। जुलूस, बिल्कुल, और ये पूरी जानकारी फर्स्ट इंडिया के जरिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।